हेलो गाइस। तो आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, और आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप इस टॉपिक को देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे, और बहुत ज़्यादा इस पर एक डिबेट और डिस्कशन का एक पीरियड चल रहा है। और चूंकि ये टॉपिक बड़ा रिसेंटली है और अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उस एग्जाम में ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये लगभग श्योर है कि जितने भी विद इन ईयर एग्जाम होंगे उस सभी एग्जाम में इस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं NPE 2020 की, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, या यूं कह लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये बहुत ही एक लेंदी टॉपिक है, और बहुत चूंकि एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में एक पूरा एजुकेशन सिस्टम जो होता है उस पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो इस पर बहुत सारे जो है वो प्रोविजन होते हैं, बहुत सारे चेंजमेंट्स होते हैं, और जो हमारा NPE 2020 है चूंकि एक तरीके से वो तो रिवाइवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहा जा रहा है उसे, तो उसमें इन कंपैरिजन जो दूसरी पॉलिसीज आई हैं उनसे ज़्यादा चीज़ें हैं समझने जानने योग। तो बहुत ज़्यादा हम इसकी पृष्ठभूमि को डिस्कस ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दें कि ये जो टॉपिक है ये कई सारी क्लासेस में, लगभग 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट होगा, और इसलिए हम इसको एक सीरीज के फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो उस सीरीज का या उस श्रृंखला का ये पहला वीडियो होगा, ये पहली क्लास होगी, और हम इस पूरी श्रृंखला में, या ये जो क्लास की पूरी श्रृंखला होगी इसमें हम हर एक वो पहलू को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे जहाँ से प्रश्नों के पूछे जाने की प्रायिकता प्रबल होती है या ज्यादा होगी। तो चलिए गाइस, हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है NPE 2020, या इसी को हम कह सकते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020, या हिंदी में कह दें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब पहला प्रश्न यहां पर कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसकी इसका भारतीय शिक्षा और भारत की जो एजुकेशन पॉलिसीज है उसमें इसका क्या सीरियल ऑर्डर नंबर है। पहला प्रश्न तो ये जान लेना जरूरी है कि क्या इससे पहले जो शिक्षा नीति आई है क्या वो इसके तरह ही है, या ये स्वयं जो पहले की शिक्षा नीतियां हैं उसके जैसी है, या उनमें कोई अंतर है। दूसरा, ये किस नंबर की एजुकेशन पॉलिसी है, वो नंबर आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो ये भारत की फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी है। पहली चीज, ये भारत की चौथी जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और वो चौथी क्यों? क्योंकि सबसे पहली जो आई वो 1968 में आई, दूसरी 1979 में आई, और तीसरी 1986 में आई, और ये जो है 2020 में। अब दूसरा प्रश्न यहां पर, तो ओवरऑल ये क्या है, भारत की फोर्थ एजुकेशन पॉलिसी है। तीसरा, ये भारत में एग्जीक्यूट होने वाली, लागू होने वाली कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, तो वो है थर्ड थर्ड वर्किंग कह लीजिए, थर्ड वर्किंग
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि जो 1978 की थी वो वर्क नहीं की थी। हमने कहा था कि इसका केवल ड्राफ्ट बना था, तो ये लागू नहीं हो पाई थी। तो लागू होने वाली ये तीसरी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, लेकिन ओवरऑल ये भारत की चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तीसरा प्रश्न यहां पर कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति या जो एनपी 2020 है, इसने किस एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया? तो इसने रिप्लेस्ड किया एनपीई 1986 को इसने रिप्लेस किया, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को इसने हटाया या का जो है पदस्थ किया, ये कह सकते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, ये एजुकेशन पॉलिसी किस डेट से लागू हुई? तो ये भारत में जो लागू हो चुकी है ये एप्लीकेबल कब से है? एप्लीकेबल है 29 जुलाई 2020। तो 29 जुलाई 2020 से ये शिक्षा नीति भारत में लागू हो चुकी है, क्योंकि 29 जुलाई 2020 को पीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी और उसी दिन इस पर साइन हो गए कैबिनेट के और प्राइम मिनिस्टर के। उसी दिन से ये जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भारत में लागू हो चुकी है। तो वो डेट आपको ध्यान में रखनी है, पर्टिकुलर वो है 29 जुलाई 2020। तो एनपीई के जो बेसिक में चीज जान लेनी है वो ये चार बातें आपको एग्जाम की दृष्टि से जाननी है। ये भारत की ओवरऑल चौथी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, परंतु लागू होने वाली या कार्य करने वाली तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये इस शिक्षा नीति ने एनपी 1986 को रिप्लेस किया, और ये लागू किस कब से हुई? ये लागू हो गई है 29 जुलाई 2020 से। एक चौथी बात, एक पांचवी बात यहां पर ध्यान में क्या रखना है? पांचवी बात ये ध्यान में रखना है कि ये जो चार राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, या यूं कह लीजिए कि जो 1986 को इसने रिप्लेस किया, तो 1986 और 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिफरेंस और क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है कि ये जो हमारी एनपी 2020 है, इसमें भी 86 की तरह पॉलिसी है, विजन है, प्लस प्लान ऑफ एक्शन है। जैसे 68 की शिक्षा नीति में क्या था, केवल एक विजन था, एक केवल उसमें रिकमेंडेशंस थी, उनके क्रियान्वयन का जो तरीका था या जो उसके एग्जीक्यूशंस का कोई जो कार्य योजना थी वो नहीं थी, यानी प्लान ऑफ एक्शंस या पीओए नहीं था। इस एजुकेशन पॉलिसी में भी 86 की पॉलिसी की तरह पॉलिसी के साथ साथ प्लान ऑफ एक्शन भी है। तो ना केवल इसमें व्यवस्था के बारे में बताया गया, बल्कि उस व्यवस्था को क्रियान्वित या संचालित करने के लिए जो संसाधन की उपलब्धता होगी, जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी होगी, वो कहाँ से आएगी, किस प्रकार आएगी, इसके बारे में भी इस पॉलिसी में डिस्क्राइब किया गया है, स्पेशली इसके फोर्थ सेक्शन में। तो ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है ये फोर सेक्शन में डिवाइडेड है, या फोर्थ पार्ट में डिवाइडेड है। और जो पार्ट वन है, पार्ट टू है, पार्ट थ्री है, पार्ट फोर है, उसमें क्या क्या चीजें हैं ये आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो गाइस, तो ये तो कुछ फंडामेंटल इसके बारे में। अब हम इस पॉलिसी का जो फॉर्मेशन हुआ है, उस फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन किसका किसका है, जरा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। यानी एनपी 2020 को बनाने में या इसको साकार रूप या मूर्त रूप प्रदान करने में किन किन कमेटीज का, समितियों का या लोगों का योगदान है? तो कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन कॉन्ट्रीब्यूशन कि किसका किसका है।
तो मेनली इस पॉलिसी को बनाने में जो कंट्रीब्यूशन है वो दो कमेटीज का है। पहली जो कमेटी है वो है टीएसआर सुब्रमण्यम। टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी पंद्रह सोलह, और जो दूसरी कमेटी है वो है के कस्तूरी। रंगन कमेटी दो हजार अठारह उन्नीस। तो ये जो पॉलिसी बनी, इस पॉलिसी के निर्माण में जो प्रमुख भूमिका है वो है टीएसआर सुब्रमण्यम समिति और दूसरा के कस्तूरी रंगन समिति। अब ये जो के कस्तूरी रंगन कमेटी है, एक्चुअल में यही इस पॉलिसी के चेयरमैन भी हैं। तो ये दो जो कमेटीज हैं, इन दोनों कमेटीज ने मिलाकर के ही, इन दोनों कमेटीज का जो रिकमेंडेशंस था, उन दोनों का जो डॉक्यूमेंट था, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके ये पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो बनाई गई है। एक तीसरा जो इसमें योगदान है वो योगदान है एमएचआरडी का। अब एमएचआरडी का जो कंट्रीब्यूशन है, उस एमएचआरडी के कंट्रीब्यूशंस में दो लोगों का हाथ है। उसमें सबसे पहला नाम है प्रकाश जावड़ेकर का। और दूसरा जो नाम आता है वो है रमेश पोखरियाल। आप जानते हैं कि ये दोनों ही व्यक्ति क्या है, एमएचआरडी मिनिस्टर थे, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। जब सुब्रमण्यम कमेटी बनी या कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, उस समय प्रकाश जावड़ेकर थे एमएचआरडी मिनिस्टर। और जब पॉलिसी लॉन्च हुई या उस पॉलिसी को जारी किया गया, उस समय रमेश पोखरियाल जो थे वो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। तो तीसरा जो योगदान है वो खुद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का है। और आप जानते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी की जो रेगुलेटरी बॉडी होती है इंडियन गवर्नमेंट की, वो एमएचआरडी है। तो उस एमएचआरडी के जो एमएचआरडी मिनिस्टर हैं उनका भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, प्रेसिडेंसी उन्हीं की होती है। तो उस तीन व्यक्तियों का या इन तीन संस्थाओं का बड़ा योगदान है। सबसे पहला जो योगदान है वो है सुब्रमण्यम समिति का, और दूसरा जो योगदान है वो कस्तूरी रंगन कमेटी का है, और तीसरा जो योगदान है वो एमएचआरडी का है। अब चौथी बात है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इसके चेयरमैन कौन थे? तो इसके चेयरमैन है कस्तूरी रंगन, या के कस्तूरी रंगन ही कह लीजिए। और ये है कौन कस्तूरी रंगन? ये हैं आपके फॉर्मर इसरो चेयरमैन। ये इसरो के, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके चेयरमैन हैं। और उनकी ही अध्यक्षता में ये पॉलिसी बनी और इसका ड्राफ्ट बना। तो चूंकि इस पॉलिसी का जो प्रारूप आया वो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आया, इसी कारण इसको हम कस्तूरी रंगन पॉलिसी भी कह सकते हैं। दूसरा, इसमें चेयरमैन के अलावा जो थे टोटल 11 मेंबर्स थे। इलेवन मेंबर्स और एक एनआरआई थे, यानी जिसमें से इलेवन मेंबर्स में से एक एनआरआई मेंबर्स थे। इसमें कोई फॉरेन, जिस तरीके से जब हमारा कोठारी कमीशन बना तो उसमें तीन विदेशी विशेषज्ञों को रखा गया था, लेकिन इस पॉलिसी को बनाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में अध्यक्ष सहित 11 लोग थे, लेकिन उन 11 में केवल एक एनआरआई थे, नॉन जो है
रेजिडेंट इंडियन, लेकिन वो भारत के हैं और वो एक अमेरिका के इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। बाकी जितने भी लोग थे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज के ही एजुकेशनिस्ट थे, वाइस चांसलर थे, प्रोफेसर थे। तो दूसरा साइंटिस्ट भी थे, केवल इस पॉलिसी को बनाने में केवल एकेडमिक्स लोगों को ही इन्वॉल्व नहीं किया गया, बल्कि उनमें से कई सारे जो अलग अलग मैनेजमेंट की फील्ड के, इंजीनियरिंग की फील्ड के, हर एजुकेशन की फील्ड के लोग इसमें एक्सपर्ट के रूप में इन्वॉल्व थे। लेकिन जो प्रेसिडेंसी कर रहे थे वो के कस्तूरी रंगन कर रहे थे, इसी कारण हम इसको के कस्तूरी रंगन की पॉलिसी भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें के कस्तूरी रंगन ने अपनी भी एक जो है रिपोर्ट दी, तो ये दो रिपोर्ट्स को मर्ज करके NP 2020 बनी है। एक तो सुब्रमण्यम कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको लिया गया, दूसरा सुब्रमण्यम कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट्स को, तो इन दोनों रिपोर्ट्स को आपस में मर्ज करके ही NPE 2020 का जो ड्राफ्ट है या जो डॉक्यूमेंट है वो बना है। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इस पॉलिसी में, वो इस पॉलिसी में तीन बॉडीज का है, सुब्रमण्यम कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी और MHRD। यहाँ पर जब ईयर लिखे हैं तो 15 में बनती है, 16 में अपना रिकमेंडेशंस देता है, 18 में बनती है, 19 में ये अपना प्रतिवेदन MHRD को देता है, और ये दोनों कमेटी जो है MHRD के द्वारा ही रिकमेंड की जाती हैं, फ्रेम की जाती हैं। तो ये था इस पॉलिसी को बनाने में जिन लोगों का योगदान है। ध्यान रखें कि इस पॉलिसी में जो 90% काम किया वो प्रकाश जावड़ेकर ने किया। इसीलिए जब आपने देखा होगा कि जब ये पॉलिसी लॉन्च की गई तो उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये दोनों लोग बैठा ले गए थे, क्योंकि इस पॉलिसी को बनाने में जो मिनिस्ट्री लेवल पर सबसे ज्यादा काम किया वो प्रकाश जावड़ेकर ने किया, चूंकि उस समय वो सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, और चूंकि प्रेजेंट टाइम में जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल जी हैं, तो इसलिए ये दोनों लोग उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। तो हो सकता है कि इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा जाए मिनिस्टर को लेकर के और इस पॉलिसी के रिलेशंस को लेकर के। तो इस पॉलिसी में जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो प्रकाश जावड़ेकर जी का है, लेकिन जिस समय ये पॉलिसी लॉन्च होती है, अप्रूव्ड होती है, एप्लीकेबल होती, उस समय चूंकि रमेश पोखरियाल जी हैं इसलिए उनका भी इसके साथ नाम जुड़ा। लेकिन इसीलिए हमने पहले नंबर पर जावड़ेकर जी को रखा और दूसरे नंबर पर रमेश पोखरियाल जी को रखा। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो पहला फेज जो कॉन्ट्रीब्यूशन का है उसको जानने के बाद हम एक दूसरा फेज समझते हैं इस पॉलिसी का। इस पॉलिसी का विजन क्या है, यानी इसका दृष्टिकोण क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हमें यहां पर जानना है विजन। या विजन को जानने से पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, क्योंकि जब आप विजन को और अच्छे से समझ पाएंगे, दूसरा सेक्शन हम इसका इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस्ड अर्थात प्रभावित कहां से है ये शिक्षा नीति, क्या ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, क्या ये इसका कोई इंटरनेशनल बेस नहीं है, या फिर इसका कोई एक इन्फ्लुएंस है। आपने थोड़ी बहुत जो जानकारी आपको मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के थ्रू मिली होगी, उसमें आपने देखा होगा कि जो ज्यादातर इस पॉलिसी में गोल रखे गए हैं, जो टारगेट रखे गए हैं वो 2030 रखे गए हैं, चाहे वो GER को लेकर के हो, चाहे वो तमाम और चाहे वो दूसरे आयामों पर हो। जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक, कि हम 2030 तक जो साक्षरता जो अनुपात है वो इतना कर देंगे, हम 2030 तक जो है विश्वविद्यालयों को इस तरीके से बदल देंगे, हम 2030 तक जो टीचर रिक्रूटमेंट है उसकी व्यवस्था ये कर देंगे। तो ये 2030 ही क्यों लिया गया, क्या इसके पीछे कोई बेस है, या केवल और केवल एक 10 ईयर प्लान बना लिया गया? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो पॉलिसी में ज्यादातर चीजें जो आपको एज अ गोल दिखेंगी, एज अ टारगेट दिखेंगी, वो जो फिगर 2030 है उसका एक बेस है। और इस पॉलिसी का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां पर कहीं कहीं पर आपको एक वर्ड देखने को मिला होगा,
और वो होगा SDG4। ये वर्ड आपको इसी तरीके से मिला होगा। तो एक्चुअल में ये है क्या SDG4? एक्चुअल में इस पॉलिसी का जो सोर्स है, या यू कह लीजिए कि ये जो पॉलिसी है वो SDG4 से ही प्रभावित है पूरी तरीके से। तो जो इसका इन्फ्लुएंस्ड है, या इसका यू कह लीजिए कि इसका जो सोर्स है, कहते हैं ना कि कोई चीज होती है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है। जैसे हम कहते हैं कि मूवी है तो कहें ये वो नॉवेल से प्रभावित है, उनकी बायोग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड है। तो इन्फ्लुएंस है इस पॉलिसी का, और वो इन्फ्लुएंस यानी जो इस पॉलिसी का जो सोर्स है बहुत सारी चीजों का, वो है SDG4। तो अब जरा हम इसके बारे में जान लें, ये SDG4 है क्या, और इसका फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, क्योंकि चूंकि इस पॉलिसी के फॉर्मेशन में और इस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में ये SDG4 वर्ड बार बार आया है, और कई दफा आया है जब आप उसको पढ़ते हैं, तो SDG4 को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि SDG4 को जब, चूंकि अगर आप इसको इंडिविजुअली पढ़ लेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये पॉलिसी में चीजें कहां से अडॉप्ट की गई हैं। चूंकि हमारा टॉपिक SDG4 को पढ़ना नहीं है, तो केवल और केवल हम यहां पर अभी एक आउटलाइन लेंगे SDG4 की, और उसके बाद क्योंकि SDG4 अपने आप में एक बिग डॉक्यूमेंट है, एक बहुत बड़ा दस्तावेज है, शैक्षिक दस्तावेज, जिसमें बहुत 17 तरह की जो है वो लक्ष्य रखे गए हैं। लेकिन उन 17 प्रकार के लक्ष्यों को हमारा जानना विधेय नहीं है, हमें तो NP 2020 को जानना है। तो हमारा जो इन्फ्लुएंस्ड है NP 2020 का, वो है SDG4। अब जरा जान लेते हैं, यानी इन्फ्लुएंस्ड कहां से है, इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम SDG4। अब ये SDG4 है क्या, इसको हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास। लक्ष्य गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो SDG4 का मतलब है यहां पर, 4 को आप ऐसे ही ले सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक सतत विकास लक्ष्य। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन को अचीव करना अचानक नहीं होगा, उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक गोल सेटअप करके उस पर लॉन्ग टर्म हमको ऑपरेशंस करना होगा। अब ये SDG4 है क्या, ये तो केवल हमने एक फुल फॉर्म जान लिया कि सतत विकास लक्ष्य इसको कहा जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है क्या। एक्चुअल में ध्यान रखिए कि SDG4 क्या है, एक एजुकेशनल रिपोर्ट है। ये है क्या, एक एजुकेशनल रिपोर्ट है किसकी, यूनेस्को की। और कब की रिपोर्ट है, 2015 की। और एक तरीके से या यू कह लीजिए कि ये एक एजुकेशनल एजेंडा है। तो चूंकि इंटरनेशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, शिक्षा का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो यूनेस्को है, और यूनेस्को ने 2015 में एक दस्तावेज बनाया पेरिस में, एक चूंकि मुख्यालय है और पेरिस में एक दस्तावेज बना अंतर्राष्ट्रीय, जो जितने भी यूनेस्को के मेंबर हैं उन सारे मेंबर्स को लेकर के, उस दस्तावेज का जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया SDG4। तो SDG4 क्या है, SDG4 2015 का यूनेस्को का एक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, और जिसमें 2030 इसको हम अगर इसको हम कह दें तो उसमें जो एजुकेशनल एजेंडा था उनका, वो जो पूरा का पूरा टाइटल था, वो टाइटल था SDG4 2030, ये इसका टाइटल था उस रिपोर्ट का। तो SDG4 2030 ये क्या था, यूनेस्को का 2015 का एक
दस्तावेज है शिक्षा संबंधी, और उस दस्तावेज में 2030 तक 17 पक्षों पर, यानी इस पूरे के पूरे जो है इसमें इस दस्तावेज में 17 गोल्स बताए गए हैं, और उन्हीं 17 गोल में से बहुत सारे गोल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रखे गए हैं। अगर आप में से किसी ने भी इसको पढ़ा होगा तो वो सारे चीज़ें जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई हैं वो आपको पता चल जाएंगी कि वो वहाँ से उठाई गई है या वहाँ से प्रभावित है। तो इस शिक्षा नीति में एक प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ये शिक्षा नीति किस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक दस्तावेज से प्रभावित है या प्रेरित है। तो ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति 2015 का जो यूनेस्को का एक शैक्षिक दस्तावेज था SDG 4 2030, उससे काफ़ी हद तक प्रभावित है, और इसीलिए हमारी जो NP 2020 है उसके बहुत सारे जो कट ऑफ टाइम रखा गया है चीज़ों को, वो कट ऑफ टाइम 2030 ही रखा गया है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल, चूंकि भारत भी यूनेस्को का एक सदस्य देश है तो भारत ने भी SDG 4 पर साइन कर रखे हैं 2015 में, और उसने जो इंटरनेशनल लेवल पर एक कमिटमेंट एजुकेशन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए भी भारत बाध्यकारी है, और इसीलिए भारत ने SDG 4 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से जो योगदान होना चाहिए, इसीलिए भारत ने अपना जो तमाम क्षेत्रों में जो कट ऑफ रखा है वो 2030 ही रखा है। ये केवल इस बात का एक इंडिकेशन है कि क्यों 2030 ही है, तो उसका मूल कारण ये है क्योंकि ये जो हमारा शैक्षिक दस्तावेज है NP 2020, ये SDG 4 2030 से इन्फ्लुएंस्ड है डायरेक्टली, और इसीलिए इसमें भी वेरियस एस्पेक्ट पर जो कट ऑफ टाइम है वो 2030 ही है। अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा SDG 4 के बारे में थोड़ी सी एक सामान्य जानकारी ले लेते हैं, हालांकि ये एक बहुत बड़ा शैक्षिक दस्तावेज है, लगभग 1200 प्रश्नों की इनकी रिपोर्ट है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वो 17 पॉइंट्स भी कभी आगे की क्लास में हम लोग लेंगे, और SDG 4 के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक दस्तावेज है। है क्या ये SDG 4? हमने कहा कि ये एक एजुकेशनल एजेंडा है, यानी एक फ्यूचर प्लान था इंटरनेशनल कम्युनिटी का एजुकेशन के रेफरेंस में। यूनेस्को ने 2015 में 2030 तक पूरे वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशन के जो गोल सेटअप किए हैं डिफरेंट डायमेंशंस पर, उसको लेकर के ये बनाया गया है। अब इस का जो मोटो था, SDG 4 का जो मोटो है वो क्या है, हम उसका उस मोटो को जो है एज इट इज कोट करते हैं। मोटो है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटी क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। अर्थात एक समावेशी एवं इक्विटी क्वालिटी, यानी एक समान, जिसे हम इक्वालिटी कहते हैं, तो एक समान या एक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा जो सभी को जीवन पर्यंत सीखने का अवसर उपलब्ध कराए। तो चूंकि जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, दूसरा जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी का मतलब है कि हम सभी को एक समान तरीके से ही शिक्षा देंगे, तो शिक्षा सबको एक समान मिलेगी, ऐसा नहीं कि गरीब लोगों को ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, अमीर लोगों को उससे ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और जो एकदम गरीब तबका उसको हम पुअर क्वालिटी की एजुकेशन देंगे। तो सभी की क्वालिटी इक्वल होगी, सभी को होगी, ताकि सभी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए अवसर उत्पन्न हो सके। तो एक ऐसी शिक्षा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा एजुकेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें
समय वैसी शिक्षा का प्रावधान हो जिसमें सभी को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान हो और वो शिक्षा जो है उनको जीवन पर्यंत सीखने का एक अवसर उपलब्ध कराए। तो अगर हम इस पूरे इनका जो मोटो था, जब आप SDG 4 2030 को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला जो उनका विजन है वो विजन यही है, टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्वालिटी क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अर्थात एक समावेशी और समान गुणवत्ता की शिक्षा जिस जो सभी को जीवन पर्यंत सीखने का अवसर उपलब्ध कराए। तो उसके लिए उन्होंने 17 माइलस्टोन फिक्स किए हैं। उन 17 माइलस्टोन में से कुछ माइलस्टोन हमारी नेशनल पॉलिसी में या हमारी जो NPE है 2020 उसमें रखे गए हैं। तो कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़ा कि इस NPE 2020 में किसका कंट्रीब्यूशन है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि ये इन्फ्लुएंस्ड कहाँ से है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। तो इन्फ्लुएंस्ड है SDG 4। SDG 4 क्या है? SDG 4 एक इंटरनेशनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है यूनेस्को का 2015 का, जिसमें एजुकेशन को लेकर के 17 माइलस्टोन जो है वो डिसाइड किए गए थे। अब तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे विजन की हमारी। चलिए, एनपी जो एसडीजी 4 का विजन है वो तो इंक्लूसिव और एक इक्वल क्वालिटी एजुकेशन की बात है, लेकिन हमारी एनपीई 2020 का विजन क्या है? क्योंकि सीधे सीधे जो पॉलिसी में चेंजमेंट्स किए गए हैं, एजुकेशन सिस्टम में जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं, केवल उससे ही प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका ध्येय क्या है, उसका मोटो क्या है पूरी की पूरी एजुकेशन पॉलिसी का, तो वहां पर आपको उस चीज को समझना होगा। तो हम यहाँ पर तीसरा जो प्रॉस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो करेंगे विजन। अब विजन की बात हम इसलिए, विजन को जानने से पहले हमने इसके इन्फ्लुएंस्ड की बात की और इन्फ्लुएंस्ड में हमको पता चला SDG 4। और SDG 4 का जब हमने विजन देखा तो उसमें दो वर्ड्स थे, एक इंक्लूसिव वर्ड्स था और दूसरा था इक्वालिटी वर्ड, और एक तीसरा वर्ड था लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो कहीं ना कहीं हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसका भी जो विजन है, इसका भी जो लक्ष्य है वो कुछ इसी से प्रभावित है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजमेंट है। क्योंकि वहां पर हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे थे, एक यूनिवर्सलाइजेशन था वहां पर, यहाँ पर हम केवल और केवल इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भारत की जो शिक्षा नीति है। और ये शिक्षा नीति कहती है, इन्होंने जो इनका जब आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली इन्होंने अपना विजन डिफाइन किया, और उस विजन में इन्होंने लिखा है कि जो भारतीय मूल्य है, भारतीय मूल्य से प्रेरित शिक्षा प्रणाली, अर्थात ये जो भारत का ये जो शिक्षा प्रणाली है या जो शिक्षा नीति है ये प्रेरित किससे है? ये प्रेरित है इंडियन वैल्यू सिस्टम से, जो हमारी प्राचीन जो मूल्य प्रणाली है। प्राचीन मूल्य प्रणाली क्या है? हमारी नालंदा और तक्षशिला जैसी है। इसीलिए इस पॉलिसी में नालंदा मिशन और तक्षशिला मिशन की बात की गई है, क्योंकि यहां पर यह पॉलिसी कहती है कि हमें जो प्राचीन हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी वो उस, चूंकि उस समय भारत क्या था, विश्वगुरु कहलाता था, और वो विश्वगुरु केवल और केवल अपनी शिक्षा के दम पर था। तो और चूंकि बाद में हम लोगों ने मैकाले की शिक्षा नीति से प्रभावित हुए, हमने ब्रिटिश मॉडल को अडॉप्ट किया एजुकेशन में, चाहे वो हायर लेवल हो या सेकेंडरी लेवल हो या प्राइमरी लेवल हो, तो जो ब्रिटिश मॉडल आया उसने जो भारत का जो एक एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था, वैदिक सिस्टम था, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। और इसी वजह से भारत में क्या हुआ कि जो एक कैरेक्टर फॉर्मेशन था वो पीछे हो गया, और ब्रेक में एक क्लरिकल एप्टीट्यूड की एजुकेशन प्रोड्यूस होने लगी, क्योंकि मैकाले और उनके जितनी की पूरी जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी वो केवल और केवल भारत में क्लर्क का निर्माण करना था, ताकि एक पेशेवर जो थे वो नौकर सा जो है वो उत्पन्न हो और जो आदेशों का पालन कर सके, स्वयं में उनका कोई कैरेक्टर फॉर्मेशन या एक डेवलपमेंट की बात नहीं की गई। तो ये जो शिक्षा नीति है इसका विजन कहता है कि हम एक ऐसी शिक्षा नीति बनाए हैं, या हम एक ऐसी एक हम एक ऐसे एक एजुकेशन सिस्टम पर काम करेंगे अब जो भारत की प्राचीन जो मूल्य प्रणाली है उससे प्रभावित होगी। इनका पूरा का पूरा हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, इन्होंने कहा
कि भारतीय मूल्य प्रणाली से प्रभावित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा के भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाए। यानी पहली चीज इन्होंने कहा कि हम भारत को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली देने जा रहे हैं, या ये भारत की एक ऐसी शिक्षा प्रणाली होगी जो प्राचीन भारतीय मूल्य से प्रभावित होकर के सभी को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराते हुए भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति अर्थात यू कहिए ग्लोबल नॉलेज पावर। यहाँ पर तो पूरा का पूरा हम विजन लिखते हैं और फिर उनके वर्ड्स को जरा यहाँ पर समझते हैं। तो इन्होंने कहा कि भारतीय मूल्यों से प्रभावित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो सभी को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करते हुए भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत एवं न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए अपना प्रत्यक्ष योगदान करे या दे। This is a vision of NP 2020. अब जरा ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है इसके हम कीवर्ड्स को निकालें। तो पहली चीज है भारतीय मूल्य, फिर उच्च गुणवत्तापूर्ण, फिर एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति, फिर दूसरा ज्ञान समाज। ये अगर हम इन वर्डों को निकालें तो यहां पर एक नॉलेज सोसाइटी के बारे में बात की गई, अर्थात ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये इंडिया को क्या बनाने का सपना देख रही है, ये सपना देख रही है नॉलेज सोसाइटी। बाकी भारत क्या बने, एक नॉलेज सोसाइटी बने। दूसरा वो एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बने अर्थात वो एक ग्लोबल नॉलेज पावर बने। और लेकिन हम भारत को एक ग्लोबल नॉलेज पावर बनाने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन किसके बिहाफ पर हम बात कर रहे हैं, इंडियन वैल्यूज के द्वारा। हम भारतीय मूल्यों से, हम किसी दूसरे, हम पाश्चात्य सभ्यता को या पाश्चात्य मूल्य प्रणाली को लेकर के या किसी दूसरे की शिक्षा की नकल करके कि अमेरिका का एजुकेशन मॉडल ये है, ब्रिटेन का एजुकेशन मॉडल ये है, ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन मॉडल ये है, पेरिस का, फ्रांस का एजुकेशन मॉडल है, हमें किसी दूसरे कंट्री का एजुकेशन मॉडल अडॉप्ट नहीं करना है। हमें अपना ही जो हमारा प्राचीन एजुकेशन मॉडल है हम उसको ही अडॉप्ट करेंगे और उससे ही हम भारत को एक नॉलेज सोसाइटी के रूप में और एक ग्लोबल नॉलेज पावर के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें सभी को एक क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो यानी यहां पर हम सभी की बात कर रहे हैं, यहां पर भी इंक्लूजन्स की बात हो रही, यहां पर भी इक्वालिटी की बात हो रही। तो यहां पर सभी को शिक्षा देने की बात है,
सभी को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात है, यहाँ पर भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की बात है, यहाँ पर भारत को एक जीवंत यानी जीवंत का मतलब चलायमान और न्याय संगत, जहाँ पर हर किसी को जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू सिस्टम आपको एजुकेशन मिलेगी और भारत एक नॉलेज सोसाइटी बनेगा। चूंकि ये नॉलेज सोसाइटी वर्ड नॉलेज कमीशन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और वहां पर दो वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे, एक नॉलेज इकोनॉमी और एक नॉलेज सोसाइटी, दोनों ही वर्ड्स को हम लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था। तो वही नॉलेज सोसाइटी का जो मीनिंग वहां पर डिस्कस किया था, वही मीनिंग यहां पर भी है। तो ये शिक्षा नीति क्या करना चाहती है, इस शिक्षा नीति का ध्येय क्या है, क्योंकि ये तो उनका एक मौलिक, ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है ये उनका मौलिक स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब हमको क्या समझना है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका विजन क्या है, तो हम यूं कहेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है उसको आधार में रख करके, उसको केंद्र बिंदु में रख करके भारत को एक ऐसे देश के रूप में उभारना है जहां पर ज्ञान से ही भारत की पहचान होगी, भारत की पहचान जनसंख्या से नहीं होगी, भारत की पहचान युद्ध से नहीं होगी, भारत की पहचान धर्म से नहीं होगी, बल्कि भारत की जो विश्व में पहचान होगी वो ज्ञान से होगी, यहाँ के मस्तिष्क से होगी, यहाँ के नॉलेज से होगी। तो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना इसका ध्येय नहीं था, क्योंकि जब आप भारत की पूरी जो पुरानी प्राचीन जो शैक्षिक नीतियां हैं उन पर जाएंगे तो अगर हम कोठारी कमीशन का टाइटल देखें तो कोठारी कमीशन का टाइटल कहता है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। और इस एजुकेशन, इस पॉलिसी का जो अगर हम ध्येय देखें तो उसमें क्या है, इसमें ध्येय है एजुकेशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन, यानी यहां पर राष्ट्रीय विकास की बात नहीं है, यहां पर देश विकास की बात नहीं है, यहां पर चरित्र विकास की बात है। और क्योंकि ये पॉलिसी कहती है, क्योंकि जब हम एक अच्छे नागरिकों का निर्माण कर पाएंगे, तो जब एक अच्छा नागरिक होता है तो अच्छा समाज बनता है, जब अच्छा समाज होता है तो अच्छा एक राज्य बनता है, जिला बनता है और पूरा का पूरा देश हो जाता है। आप व्यक्ति को सुधार के आप सीधे सीधे देश नहीं निर्मित कर सकते, जो देश के मूल इकाई है, जो उसके बिंदु में वो है नागरिक, जो एक इंडिविजुअल है, आप इंडिविजुअल पर काम करें, आगे की चीजें वैसी ही ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छी होती चली जाएंगी। तो इसका जो कंक्लूजन निकल करके आया इस एजुकेशन पॉलिसी का, वो ये है कि हम एजुकेशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात करेंगे, अब हम एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, एजुकेशन एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन थ्रू एंशियंट वैल्यू सिस्टम ऑफ इंडिया। और उसी वैल्यू सिस्टम को लेकर के ही हमने कहा कि हमने यहाँ पर ऑपरेशन तक्षशिला और ऑपरेशन नालंदा का प्रोविजन इस एजुकेशन पॉलिसी में है। आगे वो जो मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला क्या है इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, जो मूल्य व्यवस्था है, उसको आधार में रख करके, यानी यहाँ पर हम आध्यात्मिकता की, यहाँ पर धर्म की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो डिबेट स्टार्ट की है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो हमारा एक सनातनी व्यवस्था है उसको लादने का प्रयास है। जब हम इस शिक्षा की बात करते हैं, आज इस एजुकेशन पॉलिसी में एक शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात की गई है, एजुकेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन या एजुकेशनल इंटरनेशनलाइजेशन की बात की गई है। और उस इंटरनेशनलाइजेशन को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने जो है अपवाद खड़ा किया है कि अब इंडिया में दूसरे विश्वविद्यालय खुल जाएंगे आकर, या वो यहाँ पर अपना कैंपस खोल लेंगे तो वहाँ पर क्या है जो है वो गरीब बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं होगा। लेकिन आप जब तक्षशिला और नालंदा के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि तक्षशिला और नालंदा में पूरे विश्व के विद्यार्थी आकर के पढ़ते थे। तो वहां पर दूसरे विश्वविद्यालय या जो भारत विदेश के टॉप 100 इंस्टीट्यूट है वो यहां पर आकर के कैंपस खोलेंगे, वो एक पार्ट है, लेकिन वहां पर एक जो है रिस्ट्रिक्शंस होगी, उनके साथ कंपल्सन होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि हम फॉरेन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए,
जैसे हमारे नालंदा अट्रैक्ट करते थे, तक्षशिला अट्रैक्ट करते थे, तो वो था, तो वो जो व्यवस्था है वो कैसे, क्योंकि भारत के जो प्राचीन विश्वविद्यालय थे उसमें उसमें पूरे विश्व के विद्यार्थी पढ़ते थे, तो वो जो शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण का जो प्रावधान है वो क्या है, वो इसीलिए रखा गया क्योंकि हम भारत की जो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था है हम उसको पुनरुद्धार करना चाहते, उसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। वो बातें जरूर, अब वो अलग बात है कि इसका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कितना होता है और ये शिक्षा नीति मूर्त रूप में कितना हमको आउटपुट दे पाती है, ये एक भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन चूंकि एज अ लर्नर, एज अ थिंकर, एज ए स्टूडेंट, हमको ये जानना है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका विजन क्या है। तो उसका विजन है कि जो हमारा एक एंशियंट और एक जो एक गोल्डन एंशियंट हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसको केंद्र में रख करके ही अब हम अपनी जो है वो एजुकेशन को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, एजुकेशन को रिफॉर्म करेंगे। और आप देखें कि ये शिक्षा नीति में क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, जो एकल विश्वविद्यालय है संस्थान उनको बंद करने की बात की गई। क्यों की गई? क्योंकि जो तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे वहां पर ही, यानी आप जो प्राचीन विश्वविद्यालय, आप विश्व भारती विश्वविद्यालय को ले लीजिए, आप देखिए वहां पर जो है शिशु से लेकर के पीएचडी तक की शिक्षा एक ही विश्वविद्यालय में है। तो वो क्या है, वो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट था। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, वहां पर आप शिशु से लेकर के पीएचडी और मेडिकल साइंस तक की एजुकेशन होती थी। तो ये जो जितने भी यूनिवर्सिटीज थी ये स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज नहीं थी, यहां पर हर तरह की शिक्षा मिलती थी। यहां पर प्राइमरी एजुकेशन भी थी, यहां पर सेकेंडरी एजुकेशन थी, यहां पर हायर एजुकेशन थी, यहां पर रिसर्च भी था। और वही इसीलिए इस एजुकेशन में जो है वो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की गई, क्योंकि भारत के जो प्राचीन जो एक बहुत विश्व प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थान थे वो इसी सिद्धांत पर काम करते थे। वो केवल नहीं कि कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चल रहा है या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है या कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है, एक ही संस्थान होता था, उसमें सभी तरह के कोर्सेज चलते थे और सारे विद्यार्थी एक साथ रह करके सभी स्ट्रीम्स की पढ़ाई करते थे। तो वो जो आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तमाम प्रावधान है, जब आप उन प्रावधानों को, उन बदलावों को जाकर के महसूस करेंगे तो वो बदलाव कोई भारत के लिए नए नहीं है, क्योंकि हम जिस जनरेशन से आ रहे हैं वो हमको नया प्रतीत हो रहा। लेकिन अगर हमने अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पढ़ रखा है, जान रखा है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसी व्यवस्था को फिर से जो है वो परिवर्तित करने की या उसको ही यहाँ पर फिर से स्टैब्लिश करने की एक कोशिश है। अब उस कोशिश में सरकार और समाज या देश कितना सफल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ज्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक जर्जा लर्निंग, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विजन समझ में आया हमारी शिक्षा का क्या है, हमारी शिक्षा नीति का क्या है। तो हो सकता है कि इसको कई तरीके से क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाए आपसे, इसके दृष्टिकोण को लेकर के, उसके ध्येय को लेकर के, शब्द कई तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका मोटो या उसका जो रूट है या उसका जो डीएनए है इस एजुकेशन पॉलिसी का, उस डीएनए को आप समझिए कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो भी आगे हम रिफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो भी हम आगे परिवर्तन देखेंगे, उन परिवर्तनों को आप प्राचीन शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश करिएगा। और जब आप उसको जोड़ करके पढ़ेंगे तो वो चीजें समझने में भी आपको आसानी होगी और उनको ज्यादा आपको याद रखने के लिए ज्यादा अपने मस्तिष्क पर जोर भी देना नहीं पड़ेगा। और एक चौथा पार्ट आज का हम देख लेते हैं, और उस पार्ट में हमने कहा कि ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है ये चार भागों में है। जो पहला पार्ट है वो है स्कूल एजुकेशन का, दूसरा जो पार्ट है वो है हायर एजुकेशन का, तीसरा जो पार्ट है वो है मिसलेनियस फोकस पॉइंट, उसमें कुछ अलग क्षेत्र, कुछ विविध मुद्दे उन्होंने डिस्कस किए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर के हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हो, और चौथा जो है वो है प्लान ऑफ एक्शन। तो चार पार्ट हैं, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मिसलेनियस पॉइंट्स एंड प्लान ऑफ एक्शन यानी क्रियान्वयन। हमने कहा कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति में केवल पॉलिसी नहीं बताई गई है, केवल नीतियां नहीं है, बल्कि उन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे करना है, उन नीतियों का जमीनी स्तर पर उनको लागू कैसे किया जाएगा, उन नीतियों को लागू करने के लिए जो संसाधनों की जरूरत होगी वो कहाँ से आएगा, इसका भी प्रॉपर उल्लेख है। तो केवल ये नीति रास्ता नहीं बताती, बस उसको रास्ते पर चलने के लिए साधनों को भी बताती है, जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। तो इस आधार पर
कि ये केवल नीति नहीं है बल्कि ये नीति प्लान ऑफ एक्शंस के साथ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्लान ऑफ एक्शन 92 में जोड़ा गया, जो 1992 की शिक्षा नीति थी या जो संशोधन किया गया था वो केवल प्लान ऑफ एक्शंस था। इसमें पहले से ही इस बात के लिए जो है सरकार सजग थी या जो विशेषज्ञ थे उस बात को जानते थे कि केवल नीति बना देना ही पर्याप्त नहीं होता, किसी नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए बहुत सारे आर्थिक संसाधनों की, बहुत सारे मानवीय संसाधनों की, बहुत सारे जो है वो भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और वो संसाधन कहाँ से आएंगे, बजट कहाँ से आएगा, राजस्व कहाँ से आएगा, संसाधन कहाँ से आएंगे, इसका भी इस पॉलिसी में प्रॉपरली उल्लेख है। तो केवल एक रास्ता नहीं बताएगी बल्कि उस रास्ते पर चलना कैसे, उस रास्ते के चलने के साधनों का भी ये नीति जो है वो पॉलिसी उल्लेख करती है। तो इसमें फोर्थ पार्ट में प्लान ऑफ एक्शन है। तो अब हम लोग अगली क्लास पर इसका जो पहला पार्ट है स्कूल एजुकेशन वो डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि इस पॉलिसी ने स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या रिफॉर्म किया, क्या बदलाव किए, क्या परिवर्तन किए, और फिर उनको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सीरीज वीडियो पर हम लोग इसके आगे की डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। आपका जो भी ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।